शरद पूर्णिमा के अवसर पर बड़वानी जिले के खेतिया में गायत्री शक्तिपीठ के तत्वाधान में योग प्राण विद्या शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षक रूपाली चौधरी ने उपस्थित सभी महिला एवं पुरुषों को योग का प्रशिक्षण दिया एवं योग से होने वाले फायदे को भी बताया। गौरतलब है कि कोरोना काल में प्रतिदिन योग करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ ही प्राचीन काल से कहा जाता है कि योग करने से न सिर्फ शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं बल्कि शरीर हमेशा स्वस्थ और सेहतमंद रहता है। आज यहाँ योग प्राण विद्या एनर्जी उपचार का शिविर रखा गया है। इसमें बिना हाथ लगाए, बिना दवाई गोली दिए किसी भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बीमारी पे हम उपचार करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग भी आए हैं यह इस उपचार पद्धति को सीख भी सकते हैं और इसका वह डेली जीवन में उपयोग करके अपने खुद के जीवन को और अपने आजू बाजू के, अपने घर के लोगों के जीवन को या उनके जीवन, हाँ, यहाँ पर मैंने यह लोगों को बताया है कि मेडिटेशन करने के क्या फ़ायदे हैं और ये उपचार कैसे किया जाता है, ये मैं उनको बता रही हूँ। अगर इनको ये सब कुछ सीखना है तो इसके लिए 2 दिन का समय लगता है। 14 घंटे में यह जो योग की पद्धति है, उपचार की पद्धति है, ये सीख सकते हैं।